तो चलिए दोस्तों देख लीजिए, ये है शकरकंदी की भाजी। ये देखिए, ये शकरकंदी की भाजी है। इसको मैं आज तोड़ लेती हूँ। आज मैं इसका रेसिपी बना के आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, मैं ये भाजी तोड़ रही हूँ। ये देखिए, ऐसे ऐसे करके जितना बनाना है उतने भाजी में तोड़ लूँगी, फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी वीडियो। ये देखिए कितना सुंदर सुंदर नरम नरम पत्ते हैं। ये सारे पत्ते मैं ऐसे करके तोड़ लूँगी। ये देखिए, देखिए दोस्तों, ये शकरकंदी की भाजी की फूल है। ये देखिए कितना सुंदर इसके फूल पर्पल कलर की है। ये देखिए, अब ये भाजी को मैं सारे अच्छे से तोड़ लूँगी। ये देखिए कितने सुंदर लग रहा है ना ये फूल, देखिए। तो देखिए दोस्तों, ये है मेरी मसाले, एक प्याज, एक आलू, दो मिर्च, हरी मिर्ची, 7-8 कलियाँ लहसुन और एक टमाटर, थोड़ी सी अदरक। और ये है भाजी जो मैं अब इसको काट लूँगी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने दाल भिगो के रख लिए थे। अब मैं इसको इसी कपड़े में रख दूँगी। अब बांध के चावल के साथ थोड़ी देर उबलने के लिए मैं छोड़ दूँगी। देखिए, इसको मैंने ऐसे गांठ बांध दिए हैं, ऐसे गांठ बांध के अब इसको मैं डाल देती हूँ चावल में। ये देखिए, ये चावल है, इसको मैंने धो के रखे हैं। ये चावल है, इसी में मैं इसको डाल दूँगी। ये पकने के लिए छोड़ दूँगी, ये आधा पक जाएगा, ये फिर मैं इसको निकाल लूँगी। देखिए, ये बन रहा है चावल। इसमें मैंने डाल दिया था जो दाल को, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से ये पक रहा है। ये देखिए, गांठ बांध के इसको मैंने इसी में डाल दिया, तो चावल भी बन गया और दाल भी बन गया। और इसमें एक आलू भी डाल दिए थे, ये आलू भी पक गया, तो मेरा गैस का भी बचत हो गया और समय का भी बचत हो गया। तो आप लोग चाहे तो इस तरह से आप लोग भी कर सकती हैं, एक साथ 2-3 चीज़ें पका सकती हैं अगर आप लोग के पास समय कम है तो। तो चलिए दोस्तों, देखिए भाजी मैं काट लेती हूँ ऐसे ऐसे करके। काटना है इसको पतले पतले पीसेस में। इसी तरह से मैं सारे भाजी को काट लूंगी और साथ में आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन ये सब भी साथ में काट लूंगी। ये देखिए, मैंने सारी भाजी काट ली हूँ। कढ़ाई मेरी गर्म हो गई है, मैं इसमें अब डाल देती हूँ सरसों का तेल। इसको अच्छे से गर्म होने दूंगी। तेल मेरी गर्म हो गई है, अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा 5 फोरन। अब मैं इसमें डाल देती हूँ कटी हुई जो मिर्ची रखी थी उसको मैं डाल देती हूँ। लहसुन भी डाल देती हूँ इसी में, अदरक के टुकड़े भी डाल देती हूँ। अब इसी में प्याज भी डाल देती हूँ। इसको थोड़ा सा भून लूंगी। अब ये मेरा पूरा भून गया है। मुझे बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, ऐसे आधा ही भूनना है। अब इसी में डाल देती हूँ मैं आलू। आलू को भी थोड़ी देर फ्राई कर लेती हूँ। दो मिनट तक इसको फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसी में डाल देती हूँ कुछ कुटे हुए मसाले, जो ये नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिएगा।
ये जीरा पाउडर आधा चम्मच, ये धनिया पाउडर एक चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, देगी मिर्च पाउडर आधा चम्मच। अब मैं इसको अच्छे से चला लूंगी, मुझे इस तरह से भून लेना है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ टमाटर, टमाटर को भी थोड़ी देर भून लूंगी। अब इसको खोल दे, दाल जो मैंने चावल में रखे थे उसको मैं खोल लेती हूँ। देखिए ये देखिए कितना सुंदर ये पक गया है, आधा से ज़्यादा पक गया है, और थोड़ा सा पकाएंगे तो हो जाएगा। तो चलिए दाल को मिला देती हूँ उसी में और थोड़ी देर फ्राई कर लेती हूँ। अब मैं मिला देती हूँ शकरकंदी की भाजी जो मैंने धो धा के रखे हैं काट के, इसको इसी में मिला देती हूँ। अब मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा चला लूँगी। इसकी सब्जी आप लोग ऐसे ही बनाइएगा, देखिएगा बहुत टेस्टी सब्जी बनता है शकरकंदी की भाजी की सब्जी। ये आलू उबल गया है, लगभग मेरा पक गया है, थोड़ी देर और ढक के छोड़ देती हूँ। अब इसको 5 मिनट के बाद फिर से निकाल के देख लेती हूँ कि कैसा बना, कितना बना है। और इधर मेरा बैंगन भी जल रहा है, देख सकते हैं लगभग भुन गया है। थोड़ी देर इसको और पकाऊंगी मैं। अब देखिए दूसरा बैंगन भी मैं इसी तरह से भून लेती हूँ, एक भून गया है, दूसरा भी भून लेती हूँ। इसका आलू और बैंगन का चोखा बनाएंगे इसी के साथ में। ये देखिए आलू भी मैंने चावल में डाला था। अब मैं आलू और बैंगन की चोखा बना लेती हूँ, और चोखा बनाने के बाद मैं आपको प्लेट में सजा कर दिखाती हूँ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।